डी ए स्टूडेंट्स असलकम अगर आपको याद है कि अभी तक हमने जो काम किया है उसमें हमने क्विक बुक्स का इन्वायरमेंट सेट किया है ना देट आर इन्वायरमेंट इज इन प्लेस वी आर गोइंग टू मूव ऑन देर आर समर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज विच वी विश दैट यू अंडरस्टैंड बिफोर वी कंटिन्यू विद आर क्विक बुक्स जब भी आप कोई चीज़ सही सलीके और तरीके से करते हैं तो उसको आप कहीं ना कहीं नोट जरूर करते हैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्रिकेट का मैच क्रिकेट के मैच में जब भी आप क्रिकेट की दो टीमों को आपने सामने देखते हैं तो एक और फ़र्द जिसका बहुत अहम किरदार है वो है स्कोरर स्कोरर ना सिर्फ हर खिलाड़ी के रन्स बल्कि हर बॉलर की कितनी गेंद हुई हैं सब का रिकॉर्ड रखता है और ये भी देखता है कि कितनी नो बॉलें वाइड बॉलें लेग बाइज ये तमाम चीज़ें हुई हैं उसका काम इस पूरे शो में उस बंदे का है जो कि एक रिकॉर्ड कीपर इसी तरह हमारा क्विक बुक्स सॉफ्टवेयर एक रिकॉर्ड कीपिंग कर रहा है ये रिकॉर्ड कीपिंग किसकी कर रहा है ये कर रहा है अकाउंटिंग की जिस तरह से स्कोरर हर चीज़ को कोई ना कोई नाम देके उसका सारा हिसाब रख रहा है हमारे पास भी बिल्कुल उसी तरह क्विक बुक्स तमाम चीज़ों का नाम देके उनका हिसाब किताब अकाउंट्स के रिकॉर्ड के तौर पे रख रहा है आइए देखते हैं इस रिकॉर्ड कीपिंग को जिस तरीके से मैनेज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? आज का हमारा टॉपिक जैसे आपने पता है व्हाट इज़ चार्ट ऑफ अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट वो बुनियाद है जिसके ऊपर हमारी सारी अकाउंटिंग और क्विक बुक्स चलती है आपको याद होगा कि जब हमने कंपनी सेटअप की थी तो बहुत सारे काम किए थे उनमें से एक काम जिसपे हम गुजर गए थे वो था सेटिंग अप ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट की ज़रूरत क्या पेश आती है जब भी हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं या करते चले जाते हैं तो उसमें हमें सबसे अहम चीज़ अकाउंट्स की रिकॉर्ड कीपिंग होती है रिकॉर्ड कीपिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें यह पता चल सके कि हमें इस बिज़नेस से कितनी आमदन और कितने अखराज हो रहे हैं और हम किस किस को पेमेंट कर रहे हैं और किस किस से पेमेंट वसूल कर रहे हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये मुखलिस्म के अखराज और आमदन के हेड्स हमें नज़र आ रहे हैं मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी बिल मिसाल के तौर पर कोई परचेज ऑफ गुड्स कोई भी चीज़ हम जो खरीदते हैं बेचने के नीयत से उसे हम कहते हैं परचेस ऑफ़ गुड्स फॉर सेल इसके अलावा सेल ऑफ़ गुड्स जब हम कोई चीज़ बेचेंगे हम जरूर रिकॉर्ड करेंगे क्या ज़रूरत है ताकि हमें ये पता रह सके कि हमारे पास कितना मॉल मौजूद था कितना बिक गया और अब हमारे गोदाम में कितना पड़ा हुआ है इसके अलावा कभी कभार हम कोई महंगी अशिया भी ख़रीद लेते हैं अपनी बिल्डिंग के लिए एयर कंडीशनर कंप्यूटर लोगों के लिए मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ सोफ़े ये तमाम चीज़ें बिज़नेस के लिए ज़रूरी हैं इसी के साथ साथ रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए स्टेशनरी कागज़ पेंसिल आपकी तमाम चीज़ें जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वो हम साथ साथ ख़रीदते जाते हैं और बिज़नेस इसी तरह चलता है इसी तरह कभी कभार हम अपने साथियों को कोई हमारे गेस्ट आए हों उनको हम डिनर या लंच पे ले जाते हैं ये तमाम पार्ट एक बिज़नेस के साथ साथ चलता रहता है लेकिन ये सारे अखराजात और तमाम के तमाम हमारे जितने भी जरा आमदन हैं उनको हमें रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है इनको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में मुख्तलिफ कस्म के नाम दिए जाते हैं मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी बिल को यूटिलिटी एक्सपेंस कहते हैं इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें यूटिलिटी के एक्सपेंस में आ सकती हैं यकीन है आपको अंदाज़ा हो गया होगा बिजली के अलावा पानी का बिल और उसके अलावा गैस का बिल तमाम बिल जो यूटिलिटीज़ के हेड के अंदर आते हैं एक ही जगह जमा कर दिए जाते हैं इसी तरह से जब आप कुछ बेचने के लिए चीज़ें जमा करते हैं उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेंट्री के लिए जो जो चीज़ें आप अपनी दुकान के लिए अपने कारोबार के लिए खरीदेंगे उनको भी हम एक जगह लिस्ट करके उनकी कीमत और उनके नंबरस लिखते चले जाते हैं ताकि रिकॉर्ड रह सके और जैसे जैसे हम सेल करते जाए जाते हैं उसी तरह से हम इन्वेंट्री को कम करते जाते हैं और सेल्स की भी रकम भी नोट करते जाते हैं ठीक है जी इसको हम क्या कहते हैं सेल्स इसके अलावा जब भी हम कोई महंगी चीज़ अपनी कंपनी के लिए खरीदते हैं भले वो फर्नीचर हो भले वो कोई भी हमारा कंप्यूटर हो कोई भी ऐसी चीज़ हो एसेट जो दो या तीन साल कम अज कम चले उसको हम फिक्स्ड एसेट के ज़ुमरे में लाते हैं और ये तमाम टर्म्स अकाउंटिंग में इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह जब भी हम किसी और किस्म का कोई भी खर्चा करते हैं मिसाल के तौर पे हमने अपने ऑफिस के लिए कोई भी पेन पेपर प्रिंटिंग स्टेशनरी खरीद ली इन तमाम को हम खर्चा या एक्सपेंस हेड कहते हैं और जब भी हम अपने किसी भी ग्राहक को अपने किसी कस्टमर को अपने क्लाइंट को कहीं खाने पे ले जाते हैं तो उसको भी हम जरूर रिकॉर्ड करते हैं क्यों यह भी एक हमारा खर्चा है इसको हम कहते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अब ये इतने टाइप ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस हमारे सामने आ गए इस तमाम चीजों की जब हम लिस्ट करते हैं तो एक चार्ट बन जाता है जिस चार्ट में हम तमाम अपने एक्सपेंसेस और तमाम अपने इनकम लिखते चले जाते हैं अच्छा बाद दफा ये हो सकता है कि इन तमाम नंबरिंग बल्कि तमाम जो हमने डिटेल यहाँ दी हुई है वो आपस में मिक्स ना हो जाए तो हम इसको नंबर कर देते हैं इस नंबर्ड स्कीम को हम कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स जिसमें कि हमारे तमाम अखराजात तमाम आमदन और इसके अलावा अगर हमने किसी को पैसा देना है उसकी लिस्ट अगर हमसे हमने किसी से पैसा लेना है उसकी लिस्ट और सबसे अहम जितने पैसे हमने अपनी जेब से इस बिजनेस में लगाए हैं या हमने किसी से कर्ज लेकर बिजनेस में लगाए हैं उन तमाम की लिस्ट एक आज जगह मौजूद होनी ज़रूरी है उसके बगैर कोई भी हिसाब किताब या अकाउंटिंग रखना मुमकिन नहीं होता इस तरीक़ेकार को इस जिसके ऊपर हम काम करते हैं और इस पूरी अकाउंटिंग की जो बेस है वो चार्ट अकाउंट पे है आपके जितने भी इनकम या एक्सपेंस होगा वो हम कहीं ना कहीं रिकॉर्ड जरूर करेंगे और रिकॉर्डिंग के जो हेड्स हैं वो कहलाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स द कोर ऑफ योर अकाउंटिंग सिस्टम इज गोइंग टू बी चार्ट ऑफ़ अकाउंट जिसके ऊपर आपका तमाम अकाउंटिंग की इमारत खड़ी होगी अच्छा हमने यही काम जब हम एक अपनी कंपनी सेटअप कर रहे थे तो क्विक बुक्स के अंदर किया था वो हमने काम किस तरह से किया जब हम डिफाइन कर रहे थे कि हमारी कंपनी किस टाइप का काम करेगी अगर आपको ये स्क्रीन याद हो जो हमें अभी नज़र आ रही है तो हमने चूज किया था कि कंस्ट्रक्शन का हम काम करेंगे जैसे ही आपने कंपनी का काम का तयन किया और सिलेक्शन की तो क्विक बुक्स के पास जो स्टैंडर्ड चार्ट अकाउंट मौजूद है और जो लिंक्ड है कंस्ट्रक्शन बिजनेस के साथ वो आपने खुद ब खुद चूज कर लिया है अपने काम के लिए ये स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट अब आपके साथ इस क्विक बुक्स के कंपनी के साथ एसोसिएटेड है कनेक्टेड है इसका यह मतलब नहीं है कि अब आपका काम ख़त्म हो गया आप इस चार्ट ऑफ अकाउंट में इजाफा भी कर सकते हैं और हजब ज़रूरत कमी भी कर सकते लेकिन आपको एक बना बनाया चार्ट ऑफ़ अकाउंट क्विक बुक्स दे रहा है क्विक बुक्स हमें ये चार्ट ऑफ़ अकाउंट क्यों दे रहा है उसकी रीजन ये है कि आगे जाके आपको अंदाजा होगा कि हमारी सारी रिपोर्टिंग जो हम बाद में प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट इन तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की करेंगे वो तमाम की तमाम का बेस ऑफ अकाउंट से निकलने वाला डेटा होगा इसी तरह जब हमने ये क्विक बुक्स में अपना कंपनी क्रिएट करते हैं तो हमारे साथ जो एसोसिएटेड चार्ट अकाउंट है वो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये आप किसी भी वक्त होम पेज पे जाके देख सकते हैं कि मेरे साथ कौन सा चार्ट अकाउंट एसोसिएटेड है और क्या ये मेरी सारी रिक्वायरमेंटें पूरी कर रहा है आमतौर पर ये सारी रिक्वायरमेंटें पूरी नहीं कर रहा होता लेकिन आप क्योंकि अब नॉलेजेबल है नाउ दैट यू नो हाउ टू प्रोसीड एंड हाउ टू एंगेज विद चार्ट ऑफ अकाउंट यू कैन एड एनी नंबर ऑफ आइटम्स इन द चार्ट ऑफ अकाउंट एज पर योर रिक्वायरमेंट जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप इसमें ऐड कर दें जो गैर जरूरी हैं उनको या डिलीट कर दें या इनएक्टिव कर दें ये कैसे होगा ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लेकिन जाते जाते फाइनल मैं आपको एक चीज दिखाता जाऊं ये देख लें ये है हमारा क्विक बुक्स का चार्ट ऑफ़ अकाउंट का नंबरिंग सिस्टम ठीक है जी इसमें ये जो बहुत सारे हेड्स लिखे हुए हैं ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में थैंक यू